आकांक्षा पुरी ने चुनी नॉमिनेशन को छोड़कर अपनी आजादी, जैत हुआ इमोशनल। वेल, बिग बॉस के घर में हमने देखा कि आकांक्षा को बिग बॉस याद दिलाते हैं कि वो अभी तक जेल के अंदर बंद है, उन्हें अभी तक आजादी नहीं मिली है। जिसके बाद बिग बॉस आकांक्षा को एक ऑफर भी देते हुए नजर आते हैं। बिग बॉस आकांक्षा को जेल से आजादी के लिए कहते हैं कि आकांक्षा अगर अपने नॉमिनेशन की पावर को इस हफ्ते के नॉमिनेशन प्रक्रिया में खोती है तो वो जेल से आजादी को चूज कर सकती है। जिसके बाद सोचने के बाद आकांक्षा इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेती है और कहती है कि उन्हें अपनी नॉमिनेशन पावर खोने से कोई भी एतराज नहीं है। जिसके बाद बिग बॉस उनकी जेल की अवधि को समाप्त कर देते हैं। जैन बिग बॉस वर्स के दिए गए टास्क से काफी ज्यादा उदास नजर आते हैं। जिया जैन को संभालने की कोशिश भी कर रही होती है। जैन बिग बॉस वर्स के दिए टास्क को गलत बताते हैं और अपने टास्क में काफी ज्यादा ह्यूमिलेट होने की बात भी कहते हैं। जैन जिया से अपने दिल की बात भी करते हुए नजर आते हैं कि ये कैसा गेम है जहाँ एक इंसान बैठकर आराम से खाना खा रहा होता है और दूसरा बंदा ऐसी गंदी चीजों से नहा रहा होता है। इस तरह की टास्क और इस तरह की चीजें काफी ज्यादा गलत है। जिसके बाद जिया उन्हें समझाती है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सा टास्क था, इसमें लोगों ने सिर्फ उनकी अच्छी बॉडी देखी है, जैद को इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं जिया इस गेम से काफी ज्यादा उदास नजर आते हैं। अभिषेक आलिया से बात कर रहे होते हैं कि वो जैद के नेचर को समझ नहीं पा रहे हैं। वो कभी तो काफी ज्यादा इररिलेवेंट बात करते हैं और वो कभी कभी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वहीं मनीषा जैद के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है और उनसे बात करने के लिए आती है। वहीं मनीषा जैद के मूड को सही करने की कोशिश भी कर रही होती है। बेबिका को मनीषा जिया की कही बातें भी बताती है कि जिया ने मनीषा से कहा है कि वो कल से उनके साथ बैठेंगी और उनसे बात करेंगी। जिस पर बेबिका और मनीषा मिलकर जिया का मजाक भी उड़ाते हुए नजर आते हैं। वेल, आपका जैद की कही गेम के लिए इन बातों पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।